दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वीकेंड दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के साथ देश के कुछ राज्यों को सूर्यदेव के तपन से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं देश भर में आज का मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी के बीच IMD ने देश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश और तूफान की स्थिति बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अब जानते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR समेत पूरे देश का मौसम कैसे बदल रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से सूर्यदेव कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। शुक्रवार को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री ज्यादा था। अगर आज के मौसम का हाल देखा जाए तो भी पूरे दिन मौसम साफ बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों का ये वीकेंड गर्मी के साथ ही बीतने वाला है। वहीं हवा के रुख की बात करें तो साफ आसमान में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहेगी। पहाड़ों पर फिर मौसम ने करवट बदलने का सोचा है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं मौसम विभाग ने गरज के साथ बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जाहिर की है। अप्रैल का महीना चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो जून जुलाई में उत्तर प्रदेश का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बादल छाए रहेंगे। प्रयागराज में भी आज आसमान में काले बादल दिखने को मिल सकते हैं। इसके कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ में भी सूर्यदेव काफी तेज चमक रहे हैं, जिसके कारण यहां भी कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में आज और कल यानी 6 और 7 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें, देश के अधिकांश शहर तप रहे हैं। आंकड़ों में भले ही पारा कम दिख रहा हो, लेकिन गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। दक्षिण और तटीय राज्यों में लोग अभी से ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। वास्तविक आंकड़े और इंसान को गर्मी के एहसास के इस अंतर यानी फील लाइक टेम्परेचर या हीट इंडेक्स को अब IMD ने एक इंटरैक्टिव मैप के साथ शुरू किया है। मौसम विभाग अप्रैल से जून तक रोज अगले 5 दिन का फील लाइक टेम्परेचर देगा। हीट इंडेक्स अब देश के सभी राज्यों के लिए लागू किया जा रहा है। फील लाइक टेम्परेचर खुले वातावरण में हवा की दिशा, गति और वातावरण में नमी के साथ होने वाले गर्मी के एहसास को बताता है। कई बार तापमान जितना दर्ज होता है, अनुभव में कहीं ज्यादा तापमान होता है। मान लीजिए पश्चिमी विक्षोभ आया है, हवाएं तेज चल रही हैं, जो ढेर सारी नमी लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में धूप खिली है, वहां पर वास्तविक तापमान कहीं ज्यादा है और गर्मी महसूस होगी और ये असहजता पैदा करेगी। इस वजह से फील लाइक टेम्परेचर को शुरू किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।